नए वर्ष के नए दिन पर पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि दिन तो रोज ही नया होता है, लेकिन रोज नए दिन को न देख पाने के कारण हम वर्ष में कभी कभी नए दिन को देखने की कोशिश करते हैं। अपने को धोखा देने की तरकीबों में से एक तरकीब ये थी, दिन तो कभी भी पुराना नहीं लौटता है, रोज ही नया होता है, हर पल और हर क्षण नया होता है, लेकिन हमने अपनी पूरी जिंदगी को पुराना कर डाला है, उसमें नए की तलाश मन में बनी रहती है। तो वर्ष में एक आध दिन नया दिन मान के अपने इस तलाश को पूरा कर लेते हैं। लेकिन सोचने जैसा है, जिसका पूरा वर्ष पुराना होता हो उसका एक दिन नया कैसे हो सकता है? जिसकी एक वर्ष की पुराने देखने की आदत हो वो एक दिन को नया कैसे देख पाएगा? मैं कल तक जो रोज हर दिन को हर सुबह को पुराना देखा हूं, आज की सुबह को नया कैसे देख सकूंगा? मैं ही देखने वाला हूं, और मेरा जो मन हर चीज को पुरानी कर लेता है वो आज को भी पुराना कर लेगा। तब फिर नए का धोखा पैदा करने की नए कपड़े हैं, उत्सव है, मिठाइयां हैं, गीत है, फिर नए का हम धोखा पैदा कर लेते हैं। लेकिन न नए कपड़ों से कुछ नया हो सकता है, न नए गीतों से कुछ हो सकता है। नया मन चाहिए, और नया मन जिसके पास हो उसे कोई दिन कभी पुराना नहीं होता, और जिसके पास ताजा मन हो, फ्रेश माइंड हो, वो हर चीज को ताजी और नई कर लेता है। लेकिन ताजा मन हमारे पास नहीं तो हम चीजों को नई करते, मकान पर नया रंग रोगन कर लेते, पुरानी कार बदल के नई कार ले लेते, पुराने कपड़े की जगह नया कपड़ा कर लेते। हम चीजों को नया करते रहते हैं क्योंकि नया मन हमारे पास नहीं है। नई चीजें कितनी देर धोखा देंगी, नया कपड़ा कितनी देर नया रहेगा, पहनते ही पुराना हो जाता। नई कार कितनी देर नई रहेगी, पोर्च में आते ही पुरानी हो जाती। कभी सोचा है ये कि नए और पुराने होने के बीच में कितना फासला होता है? जब तक जो नहीं मिला है नया होता है, मिलते ही पुराना होता है। अगर नई कार खरीद लाए हैं तो कल तक सोचा था कि नई कार कैसे आए, और आज से ही सोचना शुरू कर देंगे कि और नई कैसे आए, इससे छुटकारा कैसे हो? चीजों को नया करने वाली इस वृत्ति ने सारी तरफ जीवन को बड़ी कठिनाई में डाल दिया है, क्योंकि कार ही नई नई करनी पड़ेगी, पत्नी भी नई लानी पड़ेगी, चीजें नई होनी चाहिए ना। मकान को नया पोत के नया कर लेने पर, नई कार खरीद लेने पर पत्नी भी खुश हो रही, पति भी खुश हो रहा, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि ये जो आदमी चीजों को नया करने में लगा है ये एक पत्नी से जीवन भर राजी नहीं रह सकता, नए ये पत्नी एक पति से जीवन भर राजी रह सकती, क्योंकि नए होने का मतलब चीजें बदलना होता है। तो पहले पश्चिम में मकान बदले, कारें बदली, फिर अब आदमी बदलने लगे, वो यहां भी होगा। और नए की खोज जरूर है, मन में होनी भी चाहिए, लेकिन दो तरह की नई की खोज होती है, या तो स्वयं को नया करने की एक खोज होती है, और जो आदमी स्वयं को नया कर लेता है उसे कभी कोई चीज पुरानी होती ही नहीं। जो अपने मन को रोज नया कर लेता है उसके लिए हर चीज रोज नई हो जाती, क्योंकि वो आदमी रोज नया हो जाता, और जो अपने को नया नहीं कर पाता उसके लिए सब चीजें पुरानी ही होती। थोड़ी देर धोखा दे सकता है नए से, लेकिन थोड़ी देर बाद सब चीज पुरानी पड़ जाती। दुनिया में दो ही तरह के लोग, एक वे जो अपने को नया करने का राज खोज लेते हैं, और एक वे जो अपने को पुराना बनाए रखते हैं और चीजों को नया करने में लगे रहते हैं। जिसको मटेरियलिस्ट कहना चाहिए, भौतिकवादी कहना चाहिए, वो आदमी जो चीजों को नए करने की तलाश में,
लेकिन शायद